दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मानहानि का जो मुकदमा है वो राउज एवेन्यू कोर्ट में दायर हुआ है। दरअसल बीजेपी के सांसद रमेश बिधूड़ी ने ये मुकदमा दायर किया है और उन्होंने कहा है कि एक साक्षात्कार के दौरान सीएम केजरीवाल ने उनकी छवि धूमिल करने की कोशिश की और ये कहा कि उनके ऊपर कुछ केस है। जानबूझकर दिल्ली पुलिस इस केस को दर्ज नहीं किया है और इसीलिए रमेश बिधूड़ी ने ये मामला जो है दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में दर्ज किया था। हालांकि इस मामले में कल भी सुनवाई हुई थी और कल ये कहा गया था कि क्या दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को इस मामले में गवाही के लिए खुद कोर्ट में आना पड़ेगा, तो इसमें आज कोर्ट को आदेश देना था, लेकिन कोर्ट ने आज आदेश नहीं दिया है। इस मामले में आदेश कोर्ट 16 जुलाई को देगी, तब देखना होगा कि क्या उस समय दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को खुद कोर्ट में पेश होना होगा या फिर उनके वकील के द्वारा ही ये काम हो जाएगा। हालांकि कुल मिलाकर मानहानि के कई सारे मामले दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पर चल रहे हैं। देखना होगा कि इस मामले में उनकी मुश्किलें बढ़ती हैं या फिर आसान होती है। मैं सुचित्रा मुखर्जी, टोटल न्यूज़ के लिए दिल्ली से, वीडियो जर्नलिस्ट मनोज कोहली के साथ।